myself Sahil Khilwani. I scored 602 in NEET 2020. I joined Lalit Tutorials since last 1 year. मैंने Lalit Tutorials में अपनी कोचिंग की last 1 year से. मैं ड्रॉप लिया था आफ्टर 2019 का नीट देने के बाद. 2019 में मेरा स्कोर 404 था एंड मैंने 200 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया आफ्टर जॉइनिंग ललित ट्यूटोरियल्स. एंड मैं ललित ट्यूटोरियल्स क्यों ज्वाइन किया उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ललित ट्यूटोरियल्स में यहाँ पे पर्सनल डाउट क्लियरेंस, यहाँ पे मतलब पर्सनल अटेंशन बहुत ईजिली मतलब अच्छे से देते हैं. सारे सर हमारे पे अच्छे ध्यान देंगे, मतलब कोई भी डाउट को अवॉइड नहीं करेंगे. कोई भी डाउट आप कितनी बार भी पूछो उसको अच्छे से मतलब सॉल्व करेंगे. और यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ टेस्ट. यहाँ पे नंबर ऑफ़ टेस्ट बहुत सारी ली जाती है. जब तक आपका टॉपिक वो पक्का नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे टेस्ट ली जाएंगी. कोई भी टेस्ट का एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका न सॉल्व किया हो. जो भी आपको नहीं सॉल्व किएंगे वो सॉल्व करवा के ले लेते हैं सर. मतलब ये कोई भी डाउट अपना नहीं छोड़ेंगे. और यहाँ पे टीचर स्टाफ तो बहुत बेस्ट है, मतलब कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं उसमें स्टाफ वगैरह में. तो नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ भी ज़्यादा है हर सब्जेक्ट के लिए. और यहाँ पे बायो बेस्ट है, यहाँ पे केमिस्ट्री बेस्ट है, यहाँ पे फिजिक्स बेस्ट है. तीनों सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूरे बेस्ट है. आपको कोई भी ऐसा लगेगा नहीं कि भाई ये पॉइंट में हम वीक हो रहे हैं, ये पॉइंट में हम वीक हो रहे हैं. सारे पॉइंट यहाँ पे अच्छे से कवर किए जाएंगे. पूरा बेसिक से यहाँ पे बेसिक से चलते हैं सर. कोई भी ऐसा नहीं कि भाई सर लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है तो इस साल थोड़ा एडवांस से चालू करेंगे. नहीं, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे. एकदम मतलब हर एक बच्चे को लेके चलते ऊपर. और यहाँ पे सर का टारगेट रहता है यहाँ पे कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड. ऐसा नहीं कि जो टॉप रैंकर्स रहते हैं उन पर ध्यान देंगे. यहाँ पे सर ईच एंड एवरी स्टूडेंट पर ध्यान देंगे. मैंने जो 11th 12th में मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी उसमें से मेरा स्कोर 404 था. और आफ्टर जॉइनिंग कोचिंग मेरा 602 स्कोर है. मेरे को मेन जो यहाँ पे डिफरेंस लगा वो ये लगा जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तब हम हर बार डीमोटिवेट हो जाते हैं. हमारे को मोटिवेटेड रखना जरूरी है. वो कोचिंग ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा लगा मेरे को. डॉक्टर बनने का मेरा फर्स्ट मतलब इंजीनियरिंग का ही सोचा था मैंने, लेकिन मेरा सडनली चेंज हो गया कि मैं डॉक्टर बनूंगा. बिकॉज एक डॉक्टर एक फैसिनेटिंग जॉब है, इसमें एक नोबल प्रोफेशन है. यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा लाइफ में. पैसा तो सभी प्रोफेशन में कमाया जा सकता है लेकिन यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कमाया जाएगा. ये आपको भगवान का दर्जा भी दे सकता है अगर आप अच्छे से काम करें तो. मेरा नाम घनश्याम गोपीचंद खिलवानी है. हम अमरावती के रहवासी हैं. साहिल हमारा लड़का है. इसकी जो सक्सेस हुई है जो उसने जो परसेंटेज नंबर वाइज दिए हैं जो उसकी खुद की मेहनत और प्लस ट्यूशन जो है ललित ट्यूटोरियल उनकी मेहनत है. और सबके लिए सबके लिए हम सबको बधाई देना चाहते हैं. और प्लस ये बोलना चाहते हैं कि बच्चे को ज़्यादा डिपेंड रहता कि किस हिसाब से मेहनत करता और गाइडेंस भी अच्छा होना चाहिए. अच्छा लग रहा है इतने स्कूल आया है, रात दिन मेहनत करके लाया है. और ट्यूशन का भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिला था उसको. जैसे उसने सेल्फ स्टडी की थी तो उसमें इतना नहीं हुआ क्योंकि कोई ट्यूशन का सपोर्ट नहीं था बेसिकली. तो अभी उसको ट्यूशन का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है. उसके डाउट्स क्लियर हो गए तो उसको अच्छे मार्क्स आए. तो आई फील वेरी प्राउड. साहिल मेरा नातू है. उसने डॉक्टरी की ये पढ़ाई की है. उनको कामयाबी मिलेगी और यही मेरी दुआ है उनको.